कर्नाटक में बीजेपी नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने के लिए ऑपरेशन हस्त चलाने के लिए अटकलें तेज हैं। वहीं इन अटकलों के बीच बताया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व मंत्री बीसी पाटिल और पूर्व विधायक नरसिम्हा नाइक ने राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से मुलाकात की। एक रिपोर्ट की माने तो यह मुलाकात कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप संजीव के जन्मदिन के मौके पर हुई। हालांकि रविवार को पाटिल और नाइक ने पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की संभावना से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि राज्य में ऑपरेशन हस्त को विपक्षी दलों खासकर बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने के प्रयास के रूप में पेश किया जा रहा है। इसे कथित तौर पर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का बदला माना जा रहा है, जैसा कि 2019 में हुआ था, जब कर्नाटक में सत्तारूढ़ गठबंधन के 17 विधायकों की अयोग्यता के कारण कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार गिर गई थी। उधर पाटिल और नाइक ने एक 5-स्टार होटल में डीके शिवकुमार के साथ उनकी मुलाकात को महज एक संयोग और अप्रत्याशित बताया। मुलाकात पर बात करते हुए पाटिल का कहना था कि ये एक अप्रत्याशित मुलाकात थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिवकुमार वहां आएंगे। वहीं पाटिल के अलावा मामले में नाइक की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उनका कहना था कि किसी भी ऑपरेशन से गुजरने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं ना तो कैंसर से पीड़ित हूं और ना ही ट्यूमर से, साथ ही मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की बात ही नहीं बनती। बता दें, भले ही बीजेपी नेताओं ने ऑपरेशन हस्त से इनकार किया हो, लेकिन इस मुलाकात की खबर सामने आते ही कर्नाटक में सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।